तो अपने समाज के लिए भी आप थोड़ा समय निकालें। हमारा कार्य है पूरी दुनिया में, चाहे आप कनाडा की बात करो, यूएस की बात करो, दिलों को जोड़ने का और सीमा के आर पार बट गए परिवारों को मिलाने का वे काम करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान श्री रिंकू सूदन, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार राकेश जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। हिंदुस्तान पर कबायली हमले के समय जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, वहाँ बहुत से ऐसे परिवार थे जो डिवाइड हो गए थे, आधे परिजन इस ओर आधे उस ओर। उन लोगों को कैसे ढूंढने का और कैसे मिलाने का काम आपने किया है? जो आज का युग है ये एक डिजिटल युग है, तो जब हमारे जो परिवार हैं जो 1947 में इस पार रह गए थे, जो वहाँ से अपनों से बिछड़ के इस पार आ गए थे, तो उसके बाद एक बड़ा लंबा फासला रहा है 70-72 साल का, जिसमें वो जो बिछड़े हुए परिवार हैं वो एक आस लगाए हुए थे कि कब हम अपनों से मिल सकें, कब हम जो हमारी जन्मभूमि है उसको हम देख पाएंगे। इसी आस को लेके कई जो लोग थे वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जब हम बचपन में जब ये हम कहानियाँ या बातें अपने बुजुर्गों से बड़ों से सुनते थे, तो हमें इन चीज़ों का उस समय इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें हमारे मन में जो थी वो घर कर गई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो विचार मेरे मन में आया, तो मैंने बड़ी देर पहले 8-9 साल पहले एक ग्रुप बनाया था जिसमें जो हमारे समाज के जो यहाँ पे भी हैं लोग पिछड़े हुए हैं, ताकि आपस में उस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर सकें। तो वो दौर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर एक दौर ऐसा आया। जी अच्छा, इसका थोड़ा नाम बताएंगे, और सुना है कि आपने वेबसाइट भी लॉन्च की है, थोड़ा सा उसका विस्तार बताएं। जी जी, हमने एक www.punchi.org के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज व एक वेबसाइट बनाई है, जिसपे हमने जितने भी जो हमारे समाज के उस 1947 के जो लोग उस पार रह गए थे या जो यहाँ पे भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की, आपस में मिलाने के लिए हमने ये डिजिटल मीडिया पे मुहिम चला हुआ है। जी रिंकू जी, लगभग कितने साल हो गए? ये लगभग 10वां साल है जो हम इस ख्वाहिशों में लगे हुए हैं, कोशिशें हमारी जारी हैं। सुना गया है कि आपके कार्य को कुछ लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? जब से हम ये कार्य कर रहे हैं, और पिछले खास करके 3-4 सालों से जो बिछड़ी हुई जो फैमिलियाँ हमने मिलाई हैं, उस वजह से ये जो हमारा कार्य है पूरी दुनिया में, चाहे आप कनाडा की बात करो, यूएस की बात करो, या आप जर्मन की बात करो, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारे जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग बसे हुए हैं और उन तक ये बात ना पहुँच पाई हो, तो उस वजह से कई जो लोग हैं वो क्रेडिट की होड़ में उन्होंने ये जो कार्य है वो किया है। तो उन लोगों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, तो लेकिन मैं मेरी हर किसी से यही एक प्रार्थना है, अपील है कि आप जो भी चाहते हैं ये समाज, अगर आपको ये कोई बुलंदी या कहीं पे कोई पहुंचाता है, तो अपने समाज के लिए भी आप थोड़ा समय निकालें, वो जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए आप कुछ बेहतर करें। आज लोग थोड़ा भी काम करते हैं तो एकदम से मीडिया में आते हैं। 10 साल से आप काम कर रहे हैं, आप मीडिया में सामने नहीं आए, इसका क्या कारण? राकेश जी, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे शुरू से ही जो सोशल वर्क है, समाज के लिए काम करना एक अच्छा लगता है। तो जब आप मीडिया पे या आप इन चीज़ों में आ जाते हो, तो आपका जो मूल काम है वो पीछे छूट जाता है, तो वो जो आपका मूल काम है, मूल एजेंडा है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। यही वजह रही है कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करता हूँ, दूर रहने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपने समाज के लिए थोड़ा और समय निकाल सकूँ और अपना जो काम है उसको और बेहतर तरीके से कर सकूँ। इसमें अगर आपके साथ बाकी लोग जो जुड़ना चाहें, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए राकेश जी, इसमें हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर तो वो अपना नाम पता व अपनी पहचान बता के हमसे सीधा संपर्क करके जुड़ सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके अपना जो मैसेज है वो छोड़ सकते हैं, उसके जरिए हम उनको संपर्क करके अपने साथ जोड़ सकते हैं।